मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते मित्रों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। अभी भी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो कमजोर बने हुए हैं और जो इंतजार है बर्फबारी का बहुत लंबा होता जा रहा है और लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि कब शिमला, मसूरी, नैनीताल, मुक्तेश्वर और इन आसपास के इलाकों में जैसे कुल्लू मनाली वगैरह में स्नोफॉल हो, बर्फबारी हो और हम जा करके वहाँ पर आनंद उठा पाएँ, यानी कि बर्फबारी का मजा ले पाएँ। लेकिन इस बार सैलानियों को मायूसी ही हाथ लग रही है, अभी तक बिल्कुल भी स्नोफॉल नहीं हुआ है और जो वहाँ पर जो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाते हैं स्नोफॉल की जो के साथ जो बर्फ में जो एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, उनको भी मायूसी ही हाथ लग रही है क्योंकि वहाँ पर जब तक स्नोफॉल नहीं होगा टूरिस्टों का जमावड़ा नहीं बढ़ेगा और ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि इसके कारण जब तेज स्नोफॉल होता है तो वहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं उसमें भी पानी लगातार आता रहता है। अगर बर्फबारी कम होती है तो नदियों में भी पानी कम आएगा और फसलों के लिए भी जो बर्फबारी है जो वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में जो फसलें होती हैं उनको भी स्नोफॉल की बहुत ज़रूरत होती है और उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट उत्तर भारत और मध्य भारत में देखने को मिलता है। जब हैवी स्नोफॉल होता है तो वहाँ से आने वाली उत्तरी हवाएं तापमान गिराती हैं और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सारे इलाकों में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में जो कड़ाके की सर्दी होती है इन्हीं बर्फीली हवाओं के कारण होती है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं गिरता, जो रबी की फसल है यानी कि जो अब गेहूँ की फसल है उसमें भी काफ़ी जो आउटपुट है उसमें कमी आ सकती है, यानी कि थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो इस बार की सर्दी अभी तक नहीं आई है और जो टेम्परेचर है वो सामान्य से ज़्यादा बने हुए हैं, यानी कि इस बार जो मौसम है दिसंबर तक गर्म बना हुआ है और अभी भी दिन में अगर आप देखें तो तापमान 27-28 तक पहुंच रहे हैं दिल्ली एनसीआर के और उस यही हाल कई इलाकों का है, खास करके अगर गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र की बात करें तो 30 डिग्री के ऊपर ज़्यादातर इलाकों में तापमान बने हुए हैं। तो अभी भी कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक पश्चिम विक्षोभ दिखाई दे रहा था जो एज अ साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर था, लेकिन उसका कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। 20 तारीख तक हमें उम्मीद नहीं है कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों को प्रभावित करेगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो मेडिटेरियन सी से बादल उठते हैं और वो पश्चिम दिशा में से होते हुए आते हैं, यानी पश्चिम हवाओं के साथ आते हैं, पश्चिम से आते हैं, इसीलिए उनको पश्चिमी गड़बड़ी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है और वो पहाड़ों पर आकर स्नोफॉल देते हैं, बारिश देते हैं। उनके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जो पंजाब, हरियाणा और या सेंट्रल पाकिस्तान में बनता है, इस इलाके में जब बनता है तो इसके प्रभाव से मैदानी भागों में बारिश होती है और जब मैदानी भागों में बारिश होती है तो नमी बढ़ती है, कोहरा छाता है और कड़ाके की सर्दी पूरे जो उत्तर भारत, उत्तर पश्चिम भारत को अपने आगोश में ले लेती है, यानी कि पूरा जो इलाका है काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की सर्दी महसूस करता है। और अभी हम देखते हैं कि दिसंबर लगभग आधा बीतने वाला है, अभी भी सर्दी का इंतजार बरकरार है और हमें उम्मीद ये है कि अब ये क्रिसमस से पहले बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी दिखाई नहीं देने वाली है। तो अभी इंतजार बना रहेगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि इस इलाके में दिखाई नहीं देने वाली है। तापमान अगले 2-3 दिनों के दौरान हल्के गिरेंगे, यानी कि 1-2 डिग्री गिरावट देखने को मिलेगी, 6 डिग्री तक और 5-4 डिग्री के तापमान राजस्थान के कुछ इलाकों को दिखाई देंगे, 5-6 डिग्री के बीच में हो सकता है मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी तापमान आ जाए और दिल्ली एनसीआर में भी 7 डिग्री के आसपास तापमान आने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। जो मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़े हुए हैं उसमें भी 1-2 डिग्री की गिरावट, उत्तरी हवाएं जो ठंडी हैं उससे होगी, लेकिन अगर स्नोफॉल हो गया होता तो यही उत्तरी हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडक लिए होती और तापमान को बहुत तेज़ी से गिराती और कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाती। तो ये तो रहा उत्तर भारत का अपडेट। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आसपास बना हुआ है और अब क्या होगा कि जो मध्य प्रदेश है जहाँ का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा, लेकिन जो महाराष्ट्र के कई इलाके हैं वहाँ पर अभी भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी। आज मुंबई, थाने, दहानू और ये सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और रायगढ़, रायपुर और जो आसपास के इलाके हैं पुणे वगैरह, इन इलाकों में, नासिक, मालेगांव, जलगांव, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं और कल से मौसम ज़्यादातर इलाके का साफ हो जाएगा। केवल नासिक, मालेगांव, जलगांव और उसके आसपास के इलाके, सूरत, नवसारी, इस इलाके में हल्के बादल छाएंगे या हल्की बौछारें पड़ सकती हैं।
और ये 15 तारीख तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी और उसके बाद मौसम पूरे इलाके का साफ हो जाएगा। गुजरात में कोई खास वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात में तापमान एक बार फिर बढ़े हैं, लेकिन एक दो दिनों के अंदर उत्तरी हवाएं गुजरात के तापमान को भी गिराएंगी, यानी कि भुज, नलिया, द्वारका, बनसकांता, सवरकांता, महिसा, नईदार, पाटन से लेकर के द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली और जो अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, छोटा उदयपुर, ये सारे इलाके में जो मिनिमम टेम्परेचर है 2-3 डिग्री के का गिरावट इसमें देखने को मिलेगा। उसी तरह से राजस्थान के कई इलाकों में तापमान गिर सकते हैं और एक दो दिनों में मध्य प्रदेश में भी तापमान 2-4 डिग्री तक मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी। और अगर ये मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 3 दिन के बाद जो तापमान है मिनिमम टेम्परेचर 3-4 डिग्री गिरेंगे, यानी कि सुबह और रात की सर्दी एक बार फिर इस इलाके में बढ़ जाएगी। और छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस इलाके में भी 2-3 डिग्री की गिरावट 2-4 दिन के अंदर दिखाई देने वाली है। लेकिन ये मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर के आपका प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, ये पूरे इलाके शुष्क रहेंगे। दिन में धूप तेज रहेगी, सुबह के समय हल्का कोहरा मैदानी इलाकों में छा सकता है, कई इलाकों में घना कोहरा भी छाने को हो सकता है। और उसी तरह से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी हल्की धुंध और कुहासा सुबह के समय छा सकता है, दिन गर्म रहेगा, रातें ठंडी रहेंगी। और जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो दक्षिणी जिले हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी जो साइक्लोन मंदोस का असर था, लेकिन अब मौसम यहाँ पर भी साफ हो जाएगा। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी तरह की मौसमी गतिविधि अब हमें दिखाई नहीं दे रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देखिए साउथ अंडमान सीमा आ गया है और ये आगे बढ़ करके यहाँ पर पहुंचेगा और ये लो प्रेशर बना सकता है। यहाँ पर अगर लो प्रेशर बनता है तो ये लो प्रेशर बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। और ये अगर हम देखें इसको यहाँ पर, ये लो प्रेशर बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं होगा और ये थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण की तरफ, यानी कि थोड़ा सा पहले जो बना था वो इस तरह से गया था, यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाकर के तमिलनाडु में पहुंचा था, लेकिन ये वेदर सिस्टम दक्षिण में जाएगा और श्रीलंका के भी दक्षिण में जा सकता है। और इसका बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन दिखाई नहीं दे रहा, सी कंडीशंस इतनी ज़्यादा कंडीसिव नहीं है, साइक्लोन बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है कि वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाए, डिप्रेशन बनने की संभावना भी बहुत कम नज़र आ रही है। तो यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीप हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश हो सकती है, लेकिन जो पोर्ट ब्लेयर है और ऊपर के जो उत्तरी द्वीप हैं उस इलाके में कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है। अब जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो इलाके हैं यहाँ का मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा और अब पूरा दक्षिण भारत यानी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटका, इस इलाके में बारिश की संभावना धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब केरल और कोस्टल कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश अगले 24-48 घंटों तक रहेगी, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट मानसून पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा और जो वेदर एक्टिविटी हुई थी जो साइक्लोन मंदोस के प्रभाव से वो लगभग समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 15 तारीख के बाद भारत के ज़्यादातर भूभाग में कोई भी मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं देने वाली है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंतजार लंबा होने वाला है, बर्फबारी का इंतजार भी लंबा होने वाला है और जो मौसम है वो पूरे भारत का अगले 2-3 दिनों के दौरान लगभग शुष्क होने के कगार पर आ गया है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।